हेलो दोस्तों, नमस्कार। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आज है तारीख 8 अगस्त 2022 और हम बात करने जा रहे हैं हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल एनालिसिस को आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे दिव्य माइस टीम की तरफ से। मेरा नाम है आकाश। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को दोस्तों। आज हम चार आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। पहला है कूलिंग द टेम्परेचर्स, दूसरा जो एडिटोरियल आर्टिकल है वो है इंडिया डेमोक्रेसी एंड द प्रॉमिस्ड रिपब्लिक, थर्ड फोकस्ड ऑन इन्फ्लेशन और लास्ट आर्टिकल जिस पर हम बात करेंगे टैपिंग टेक्नोलॉजी टू चेक माइनर मिनरल प्लंडर। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो पहला एडिटोरियल आर्टिकल वो है कूलिंग द टेम्परेचर। बेसिकली ये जो पूरा आर्टिकल घूम रहा है अभी जो ताइवान में यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी इनकी जो अभी विजिट होती है जिस पर चीन अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देता है और वन चाइना पॉलिसी उसका उल्लंघन मानते हुए ताइवान के इर्द गिर्द अपने इतिहास की सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल ऑर्गेनाइज कर देता है। हालांकि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उनका कहना है जो ये मिस पेलोसी की इनकी जो विजिट वहां पर होती है वो इनकी पर्सनल विजिट है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें रोल नहीं रहा है। हालांकि जो ताइवान की प्रेसिडेंट साइंग वेन है उन्होंने पेलोसी इनका काफी भव्यता से स्वागत किया क्योंकि बेसिकली चाइना के प्रेशर में जो ताइवान है वो दुनिया में अलग थलग न पड़ जाए उसके लिए जरूरी भी था। हालांकि अब जो चीन है जो यूएस से इनके आगामी जो कुछ वार्ता है जो इम्पोर्टेंट मिलिट्री और दूसरे डायलॉग होने थे उसको अभी तत्काल के लिए चाइना ने स्थगित कर दिया है और दूसरे कड़ी प्रतिक्रिया का भी धमकी चाइना लगातार दे रहा है और काफ़ी अग्रेसिव भी इस समय चाइना दिख रहा है। दोस्तों ये है चाइना, ये मैप में हम देखिए ये छोटा सा जो आइलैंड नेशन है ये है ताइवान। चाइना ताइवान को अपना पार्ट मानता है और ताइवान खुद को स्वतंत्र मानता है और कहता है कि जो रियल जो चाइना ओरिजिनल चाइना वो हम हैं। इनका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है जबकि इनका चीन का ऑफिशियल नाम पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है। हम इनके हिस्ट्री में नहीं पढ़ रहे कौन रियल है क्या इनकी हिस्ट्री। बहरहाल अभी जो रिसेंट जो नैन्सी पेलोसी की विजिट होती है वो ताइवान में होती है और अब ताइवान को घेर कर चीन अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज किया है जो अभी हाल फिलहाल में संपन्न भी हो गई है। ये देखिए एक तरीके से ताइवान को चीन ने चारों तरफ से घेर लिया और इसको घेर के एक तरफ टारगेट अपना सेट कर दिया और इनके ऊपर से मिसाइल बरसा रहा है ताकि लोगों में टेरर भी हो जाए और जो एक कड़ा मैसेज ग्लोबली भी पहुंच जाए और ताइवान के लोगों को भी क्लियर हो जाए कि जो चीन की वन चाइना पॉलिसी का अगर उल्लंघन होता है तो उसके कड़े परिणाम झेलने होंगे। दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल की हम बात करेंगे इंडिया डेमोक्रेसी एंड द प्रॉमिस्ड रिपब्लिक। बेसिकली ये आर्टिकल बात कर रहा है अभी 15 अगस्त जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे होंगे। बेसिकली ये पूरा आर्टिकल उसके इर्द गिर्द घूम रहा है कि आज़ादी का असली मायने क्या है और हम 75 साल के इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एंटिटी अब होने वाले हैं। अभी इसमें बात की जा रही है कि ऐसा तर्क दिया जा सकता है कि भारत इकोनॉमिक फ्रंट पर उतना सक्सीड नहीं हुआ पर अगर हम डेमोक्रेटिक फ्रंट पर बात करते हैं, हम लोकतंत्र में अपनी विश्वास और अपने लोकतंत्र की मजबूती की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर वहां पर हम गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। आर्टिकल में आगे बात की जा रही है कि हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उस समय आज़ादी के समय पर इन्होंने अपनी जब स्पीच दिया था तो आज़ादी के मायने क्या होंगे उस पर इन्होंने बताया था कि आज़ादी और लोकतंत्र के मायने भारत के लिए जो होने वाले हैं उसमें रहेगा कि आज़ादी और जो अपॉर्चुनिटी है वो आम आदमी तक पहुँचे, जो मजदूर हैं जो किसान हैं उनको जो गरीबी से लड़ने में मदद मिले, बीमारियों से उनको मुक्ति मिल सके, समृद्धि आम आदमी तक पहुंचे, जो अपना देश है वो प्रोग्रेसिव हो, साथ ही साथ में सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो ये सुनिश्चित करें कि जो भी जस्टिस और जो भेदभाव रहित सत्ता इनका जो फायदा है वो एक आम इंसान आम नागरिक चाहे वो आदमी हो अथवा औरत हो वो सब तक बराबर से पहुंचे। हालांकि आर्टिकल में बताया जा रहा है कि भारत में अभी भी जो जेंडर इनइक्वलिटी है लैंगिक असमानता है वो काफ़ी हद तक हम सोसाइटी में उसको देख रहे हैं। अब इसमें बात कही जा रही है कि जो औरतों की स्थिति है वो वनस्पत आदमियों के वो ज़्यादा खराब है भारत में, चाहे वो बात की जाए
नरिशमेंट की बात की जाए, पौष्टिक आहार की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, आज़ादी, हालांकि वोट जब पड़ता है तो महिलाओं का लगभग बराबर योगदान होता है, पर अगर हम लेबर फोर्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं जब चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी में इनके रिप्रेजेंटेटिव महिलाओं की बात हो, चाहे परिवार में जब हम खाने पीने की बात करते हैं वहाँ पे पौष्टिक भोजन की बात हो, शिक्षा की बात हो, हर जगह महिलाओं को दोयम, इनका जो ओहदा है वो एक तरीके से जो समाज है उसमें दोयम दर्जा का इनको शिकार होना पड़ता है। अब इसमें आगे ये बात कही जा रही है कि ऐसा नहीं है कि ये कुछ ही जगह पे, बल्कि इसमें भी जो रीजनल जो क्षेत्रीय असमानता है वो भी देखने को मिलता है। ज़्यादातर जो दक्षिण और पश्चिम भारत हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो ज़्यादातर फ्रंट पर जो शेष भारत है उनसे बेहतर कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट एक्सेप्शन हैं। हालांकि यहाँ पर भी अगर हम बात करते हैं तो नीति आयोग का जो आंकड़ा है जो क्षेत्रीय असमानताओं की बात को उजागर करता है, इसमें ये बात कर रहा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, बहुआयामी जो गरीबी की बात करता है। जैसे बिहार का एक एग्जांपल लेता तो लगभग 50% से ज़्यादा यहाँ पर बहुआयामी गरीबी ये व्याप्त है, जबकि केरल में बात करते तो ये आंकड़ा तकरीबन 1% के आसपास ही मिलता है। इसका मतलब क्षेत्रीय आधार पर बहुत ज़्यादा विषमताएँ हैं। हालांकि यहाँ पर ये भी बात कही जा रही है कि चाहे वो केरल हो या तमिलनाडु हो, हर जगह पर वहाँ पर जो हमने जो भी प्रोग्रेस किया है बावजूद उसके कई सारी विषमताएं वहाँ के भी समाज में, जैसे कि पितृसत्तात्मक जो सामाजिक जो वहाँ पर ढांचा है वहाँ पर भी हमको देखने को मिलता है कि महिलाओं की स्थिति बेहतर नहीं है। कास्ट वहाँ पर जो जात पात जो इनकी व्यवस्था है इसकी वजह से भी जो सोसाइटी है उसमें बहुत सारी समस्याएं हमको देखने को मिल जाती हैं। और इन सब के अलावा इससे क्या होता है, जो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की जो हम बात करते हैं ये कई जगहों पर इसमें विषमताएं देखने को मिलती हैं। अब इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि जैसे कि जो सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, तब ये तब तक संभव नहीं है जब तक जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल हो, जब तक वो पूरी तरीके से सशक्त नहीं होंगे तब तक समाज में जो लोकतंत्र के सही मायने ये नहीं मिल पाएंगे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हम जब बात करते हैं, इसके अलावा जो व्यक्तिक जो एक्सप्रेशन है जो लोगों के, उसमें कहीं ना कहीं अभी देखने को मिल रहा है जो वो बाधित हो रही है। इसके अलावा जो प्रेस है, प्रेस की बात हो रही है, प्रेस भी पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं मिल पा रही। इसके अलावा जो रिलीजियस माइनॉरिटी की बात हो रही है, स्पेशली मुस्लिम माइनॉरिटी की अगर बात की जाती है, तो वो भी जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग वो अभी बढ़ रही है, ऐसा आर्टिकल में लिखा गया है। इसके अलावा आर्टिकल में बताया जा रहा है कि अपने जीवन के अंतिम समय में जवाहरलाल नेहरू, उनका भी ऐसा मानना था कि भारत वो उतना अचीव नहीं कर पाए। उन्होंने हालांकि एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो किसान है, जो एग्रीकल्चर है, कृषि क्षेत्र में भारत ने उतना अचीव नहीं किया जितना उसको करना चाहिए था। हालांकि इस एग्जाम्पल को जो आर्टिकल में इस तरीके से इस्तेमाल किया गया है कि जो फसल होती है वो स्वयं से नहीं उग जाती है, फसल में बहुत सारे निवेश करने होते हैं, बीज हैं, खाद है, पानी है, समय समय पर उसको ध्यान देना पड़ता है। उसी तरीके से अगर हम सब चीज़ों को पॉलिटिशियन के भरोसे छोड़ देते हैं, जो हमारे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके भरोसे छोड़ देते हैं कि हमको एक जो अच्छा जो हमारा देश है उसमें सब कुछ खुशहाल मिल जाएगा, तो वो भी अन्याय ही होगा। क्योंकि जो फ्रीडम होता है, जो डेमोक्रेसी होता है, जैसे कि जो पौधा है उसको बड़े होने के लिए उसमें खाद पानी उसको समय समय पर देखभाल की आवश्यकता होती है, उसी तरीके जो लोकतंत्र है उसको यदि हमको समृद्ध बनाना है, उसको खुशहाल बनाना है, तो उसमें भी सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं होगी, उसको एक जागृत डेमोक्रेसी बनाने के लिए लोगों का भी बराबर से योगदान होगा। और साथ ही साथ में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जो गवर्नमेंट है उनकी अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करनी होगी,
तो बेसिकली जो आज़ादी का जो अमृत महोत्सव, जो 75वें साल की जो हम आज़ादी मनाने जा रहे हैं, वहाँ पर ये बात इस आर्टिकल में कहा गया है कि जो रियल मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी है वो जो लोग हैं उनके पीपल हैप्पीनेस पे वो निर्भर करेगी, साथ ही साथ में जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उस पर हमको जोर देना होगा, और जो भी क्षेत्रीय विषमताएं और सबसे इम्पॉर्टेंट जो जेंडर बायसनेस अभी भी हमारे समाज में दिख रहे हैं उसको दूर करने का हमको प्रयास करना होगा। दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल की जो हम बात करते हैं, फोकस्ड ऑन इन्फ्लेशन, बेसिकली ये जो पूरा आर्टिकल है अभी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अभी शुक्रवार को अपने मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी द्वारा जो 50 बेसिस पॉइंट पर जो बैंक रेट है उनमें इजाफा किया गया, उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, किस तरीके से इन्फ्लेशन कभी विभिन्न बीमारियों द्वारा, कभी जो तेल के दाम होते हैं उन वो बढ़ जाते हैं, कभी जो वेदर कंडीशन एक्सट्रीम आ जाते हैं जिनकी वजहों से महंगाई बढ़ जाती है, और कई बार अलग अलग जो युद्ध हो रहे हैं जो दुनिया भर में उनसे महंगाई बढ़ती जा रही है, और इनका असर आम जो जीवन है, आम जो लोग हैं उन पर किस तरीके से महंगाई का असर पड़ रहा है, और इससे निपटने के लिए जो विभिन्न देशों की जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो किस तरीके से अपना जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है उसको टाइट करते हैं, उसके इर्द गिर्द ये घूम रहा है। और बेसिकली इसमें इंडिया की बात की जा रही है, जो अभी हाल में जो मॉनेटरी पॉलिसी में जो 50 बेसिस पॉइंट पर जो बैंक रेट है इसको बढ़ाया गया, और इसके अलावा जो गवर्नर शशिकांत दास है, दास जी हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि जो इन्फ्लेशन, जो हमारा कंज्यूमर इन्फ्लेशन है लगभग 8 साल में सबसे ज़्यादा बना हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। इसके अलावा जो ऐसा नहीं है कि जो महंगाई है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो घरेलू कारण है उनकी वजह से बढ़ा, बल्कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे इस समय ऐसे सिचुएशन है जो महंगाई को भी वो बाहर से भी बढ़ाने का वो काम कर रहे हैं। उसमें इसमें ये भी बात हो रही है कि जो अभी दुनिया भर में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिससे कि जो दुनिया भर की जो एडवांस्ड इकोनॉमी है वहाँ पर भी इन्फ्लेशन बढ़ने से जो करेंसी, जो मार्केट है वो, जो दुनिया भर की जो ग्लोबल, जो ग्लोबल जो इकोनॉमी, जो ग्लोबल मनी है वो डिप्रिशिएट कर रही है, और वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिससे जो हमारा रुपया है ये भी लगातार कमज़ोर पड़ रहा है, और जिससे कि रुपए लगातार कमज़ोर पड़ रहा है तो जो हम इम्पोर्ट करते हैं वो हमको और ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, और इस वजह से भी जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है उसमें भी इजाफा हो रहा है। इसके अलावा ये भी बात हो रही है कि अभी जो लीडिंग जो मल्टीलेटरल जो इंस्टीट्यूशन ऑफ द ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है उनके, जैसे IMF की अगर बात कर दिया जाए, तो जो ग्लोबल ग्रोथ की बात हो रही है कि इस बार कैसा होगा, तो वो भी जो IMF ने ग्लोबल ग्रोथ को घटा दिया है और रिसेशन का खतरा दुनिया भर में मंडरा रहा है, ऐसी संभावना IMF भी व्यक्त कर रहा है। बेसिकली रशिया यूक्रेन जो वॉर है ये काफ़ी ज़्यादा इसको जिम्मेदार माना जा रहा है ग्लोबल इन्फ्लेशन के लिए, क्योंकि जो वॉर है इससे जो ग्लोबल सप्लाई चेन है ये बाधित हो गया, कट गया है। और अभी आर्टिकल में ये भी बात किया जा रहा है, अभी हम एक तरफ रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ग्लोबल इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, और अभी हाल फिलहाल में जो ताइवान में नैन्सी पेलोसी की जो विजिट होती है और उनकी विजिट के रिस्पांस में ताइवान को पूरा घेर के जो चाइना द्वारा मिलिट्री ड्रिल किया जाता है, जिससे कि जो वहाँ पे जो बिजिएस्ट शिपिंग लेन है, जो दुनिया की वन ऑफ द बिजिएस्ट शिपिंग लेन, काफ़ी ज़्यादा वो बिजिएस्ट व्यापारिक मार्ग है, जब जो वहाँ से चाइना अपनी मिलिट्री ड्रिल करता है ताइवान के ऊपर से, जब वो रॉकेट वहाँ से करता है तो वहाँ से कोई भी जाहिर सी बात है शिप उस समय नहीं गुजरेगी, एक तरीके से पूरा जो व्यापारिक मार्ग उसको चाइना चोक कर देता है, तो वो भी एक सप्लाई चेन बाधित करने का कार्य कर रहा है। ऐसे में यदि भविष्य में ऐसे और भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो और ज़्यादा बढ़ेगी, इससे बचने का प्रयास करना होगा, ऐसा इस आर्टिकल में कहा जा रहा है। दोस्तों लास्ट आर्टिकल जब हम बात कर रहे हैं, टैपिंग टेक्नोलॉजी टू चेक माइनर मिनरल प्लंडर, बेसिकली इस आर्टिकल में ये बात कही जा रही है कि जो माइनर मिनरल हैं इनकी जो डिमांड है, चाहे वो सैंड या ग्रेवल अर्थात रेत और बजरी जैसे जो माइनर मिनरल होते हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर जब बहुत तेज़ी से जब निर्माण होता है तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो इनके डिमांड दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। भारत की अगर बात करते हैं तो लगभग 60 मिलियन मीट्रिक टन से ज़्यादा इनकी डिमांड बढ़ गई है। अब इसमें क्या हो रहा है
इससे क्या हो रहा है कि अब ये जो माइनर मिनरल, ये जो इंडस्ट्री है, ये पानी के बाद अगर हम बात करें तो जो पृथ्वी से जो खनन होता है या पृथ्वी से जो हम बाहर निकालते हैं, वो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। अब सबसे ज़्यादा समस्या की बात ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा इलीगल माइनिंग होती है। अब इसमें ये भी बात कही जा रही है कि जैसे कि मान लीजिए इलीगल जब होता है तो उसमें चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड से हो जाए या जो दूसरे जो जहाँ पर हाईवे कंस्ट्रक्शन होना है, कुछ ऐसी जगहों पर वहाँ से जो जो ये जो भी बजरी माफिया या जो रेत माफिया होते हैं वहाँ से ये रेत और बजरी को हटा देते हैं। अब इससे बहुत बहुआयामी नुकसान होता है। सबसे पहला क्या बात हो रही है कि इसमें ये बताया जा रहा है कि जैसे कि इसमें कुछ एग्जांपल दिया जा रहा है कि जो रेगुलेशन की जब बात आती है, तो जो जब हम बात किसकी कर रहे हैं, जब हम बात करते हैं माइनर मिनरल की बात करते हैं, तो इनके रेगुलेशन की जो पावर है वो किस में आती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास रहती है। अब इसमें भी बात ये भी हो रही है कि जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो 1994 और 2006 था, उसमें एक प्रोविजन उसमें ये हो गया था कि कंपलसरी कर दिया गया था कि क्लियरेंस, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना कंपलसरी कर दिया गया था जब 5 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा का एरिया अगर इफेक्ट करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो सभी स्टेट है उनको डायरेक्ट कर दिया गया था कि इसमें कुछ बदलाव कीजिए, उसके बाद जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट वो बदला जाता है 2016 में, और जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंटल जो क्लियरेंस है इसको मैंडेटरी कर दिया जाता है। इसको कब कर दिया जाता है, 5 हेक्टेयर या उससे कम की भी जब जो एरिया होता है वहां से भी अगर माइनर मिनरल निकालना है, चाहे वो बजरी हो, रेत हो, इत्यादि दूसरे दूसरे जो भी माइनर मिनरल निकालना है, तो उसमें भी इनका जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना है उसको मैंडेटरी कर दिया जाता है। इसके साथ में डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, इसका निर्माण किया जाता है, और एक डिस्ट्रिक्ट एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी भी बनाई जाती है। हालांकि अब इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जैसे गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सब जगहों पर लगभग 50 से ज़्यादा प्रोजेक्ट का अप्रूवल पर डे आ रहा है, और जिसमें जो रिजेक्शन रेट की बात करें लगभग 1% के आसपास ही रिजेक्शन रेट हो रहा है। अर्थात ये कितना कड़ाई से जो भी नियम है उनका फॉलो हो रहा है, उस पर एक संशय दर्ज किया जा रहा है। दोस्तों मिनरल माइनिंग, ये देखिए जब इलीगल माइनिंग होता है तो इसमें क्या रहता है, जब इसकी बात कर रहे हैं, चाहे कि जब डोलोमाइट की बात करते हैं, चाहे संगमरमर हो गया, मार्बल हो, कुछ एग्जांपल की बात करें, अभी आंध्र प्रदेश के कोंकणी वहां पर लाइम स्टोन लगभग 29 लाख मेट्रिक टन जो चूना पत्थर है उसको इलीगली वहां से उसका खनन कर लिया गया। अब इसमें यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP, इनके द्वारा जो भारत है, भारत और चीन दुनिया की जो सबसे बड़ी जो दो जो देश है इनको टॉप में रखा गया जहां पर इलीगल सैंड माइनिंग होता है। अब इससे बहुत सारे एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन होते हैं वो भी होते हैं। अब इसके अलावा भारत की बात करते हैं तो कोई भी परफेक्ट या कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट की कोई व्यवस्था नहीं की गई कि कितना यहाँ पर जो इलीगल माइनिंग है वो कितना यहाँ से उनका वो कितना मतलब हाई उनकी माइनिंग हो जा रही है, इसका कोई भी डेटा हमारे पास नहीं है। इसमें अब ये भी बात हो जा रही है कि बहुत सारे इन्वायरमेंटल अगर हम इम्पैक्ट की बात करते हैं तो चाहे अब इससे क्या होता है, जो सॉइल फॉर्मेशन होता है वो इफेक्ट हो जाता है, इसके अलावा जो सॉइल होल्डिंग कैपेसिटी होती है ये इम्पैक्ट कर देता है। अब इन सबसे क्या होता है, जो मैरिन लाइफ होती हैं उनमें नुकसान होता है, समुद्र में जो जीवन होता है उनका नुकसान हो जाता है, जो फ्लड जो दूसरे जो क्लाइमेट जो प्रभाव हमको देखने मिल जाते हैं, चाहे कहीं पे बाढ़ बहुत ज़्यादा आ जाती है, कभी सूखा बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, जो पानी की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड कर जा रही है, ये सब हमको इससे देखने को मिलता है। इलीगल माइनिंग के सब दुष्प्रभाव मिलने जा रहे हैं। अब इसके अलावा ये भी बात कही जा रही है, चाहे गोदावरी, नर्मदा, महानदी, इन सब के बेसिन में जब हम देखते हैं तो इलीगल माइनिंग की वजह से, अब एग्जाम्पल दे रहे, जो मशीर मछली होती है लगभग 1963 से 2015 के जो 76% इनकी जनसंख्या डिक्लाइन कर जाती है,
यूपी की बात करते हैं तो लगभग 70% के आसपास का जो रेवेन्यू मिलना चाहिए वो 70% रेवेन्यू लॉस हो जा रहा है इलीगल, मतलब कि जो सरकार है उसके खाते में मात्र 30% रेवेन्यू सरकार पा रही है, बाकी जो 70% है ये माफियाओं के हाथ में चला जा रहा है। इसके अलावा यूपी के अलावा बात कर रहे हैं तो लगभग 700 करोड़ का नुकसान बिहार में और कर्नाटका में, 100 करोड़ का नुकसान, 600 करोड़ मध्य प्रदेश, हर जगहों पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से जो इलीगल माइनिंग है इनकी समस्या बनी हुई है। इसके अलावा अब ये भी बात हो जा रही है कि जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो यहाँ पर उतनी इफेक्टिव नहीं सिद्ध हो पा रही हैं जो इन पर रोकथाम लगाए। लास्ट में आर्टिकल में ये भी बात किया जा रहा है कि इन सब के निदान में ये किया जा सकता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे सैटेलाइट इमेज जो होती है उनसे हम ये आकलन लगा सकते हैं सैटेलाइट इमेज के द्वारा कि भाई मान लीजिए वहाँ पे कुछ एक ग्रेवल का छोटा सा वहाँ पे पहाड़ होगा, वो 5 से 10 साल में यदि गायब हो जा रहा है, सैटेलाइट इमेज से बड़े आसानी से पता लग जाएगा। तो इससे कम से कम ये तो पता चलेगा कि कहाँ पर सैंड माइनिंग हो रही है, कहाँ पर किस गति से नुकसान हो रहा है, तो उस हिसाब से वहाँ पर हम प्लानिंग कर सकते हैं, उनको रोकने का प्रयास कर सकते हैं। अब इसके अलावा अभी रिसेंट में जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसने कुछ स्टेट को ऐसा ऑर्डर भी किया हुआ है, उनको डायरेक्शन दिया हुआ कि वो सैटेलाइट इमेज का इस्तेमाल करें जिससे कि कितना किस कितने वॉल्यूम में जो सैंड एक्सट्रैक्ट हो रहा है और उनका जो नदियों से जो जो रिवर बेड होते हैं वहाँ से उनका जो सैंड को निकाल कर उनको जो इलीगल तरीके से दूसरे जगहों पर पहुंचा दिया जाता है जिससे बहुआयामी नुकसान हो रहा है एनवायरनमेंट पे, उनका असेसमेंट किया जा सके। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।